ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, इसने मुझे पूरा 360 उल्टा कर दिया, बदल दिया सारा कुछ, मेरा जिंदगी का सोचने का नजरिया बदल दिया है। और मुझे लगता है कि जब आप घूमते हैं तो सबसे बड़ी चीज आपको समझ आती है कि जिंदगी है क्या, और जिंदगी है वो हमारे आपके साथ जुड़ी हुई है। हम जब भी किसी मुल्क में जाते हैं तो लोगों को देखते हैं, वो हमारे जैसे ही हैं। हमारा रंग फर्क हो सकता है, हमारी जबान फर्क हो सकती है, हमारा खान पान फर्क हो सकता है, लेकिन एक चीज बड़ी कॉमन है, हमारे इमोशंस। तो मैंने उनके इमोशंस को बड़े क्लोजली समझा है और मुझे ये समझ में आया कि यार इसमें और मेरे में फर्क तो कुछ है ही नहीं, मैं उसकी खाली जबान नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन अगर वो खुश है तो उसको भी उसी तरह से खुशी मिलती है, उसकी चमक आंखों में मेरी तरह होती है। जब मैं कुछ होता हूँ तो जो चमक मेरी आंखों में होती है वो उसकी आंखों में भी है, और जब मैं अंदर से मैं परेशान हूँ तो आप मेरे चेहरे पे वो परेशानी देख सकते हो, और जब मेरे आंसू जब बहते हैं उसी तरह के आंसू उसके भी बहते हैं जब के घर में बच्चा बीमार होता है या उसकी उनके बेटी का कोई इशू होता है या बेटे का कोई इशू होता है या पेरेंट्स का इशू होता है या किसी और चीज का इशू होता है, तो वो उनके चेहरों पे उसी तरीके के भाव होते हैं, उनके अंदर आत्मा जो है उसी तरीके से रोती है। वर्ल्ड वाइड मतलब ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, जिस तरह हमारा रंग एक है, खून आप निकालेंगे तो पूरी दुनिया में किसी का निकालेंगे लाली होगा, इस तरह हमारे जो इमोशंस हैं बिल्कुल सेम है। खुशी और गम के इमोशन में रत्ती भर भी फर्क नहीं है जी, बिल्कुल एक रत्ती भर भी फर्क नहीं। ये मैंने सीखा है और वो एक ऐसी चीज है जो आपको पीपल टू पीपल कनेक्ट कराती है। मुझे एक किस्सा याद आया, मेरा एक इटालियन फ्रेंड था और मैं उनकी हमारा बायर भी था, तो मैं गया उनके यहाँ, मुझे एक दो दिन के लिए मीटिंग पे उन्होंने बुलाया था, तो वो किसी काम से बिजी था और मुझे मेरा जो फ्लाइट थी वो मिलान से थी, और वो मिलान से तकरीबन 300 किलोमीटर दूर वो कहीं पर उनका फैक्ट्री था जहाँ पर उनकी फैक्ट्री थी, तो उनको छोड़ने के लिए उन्होंने अपने पिताजी को मेरे साथ भेज दिया। अब उनके पिताजी इटालियन बोल रहे हैं और मैं उनका अंग्रेजी में जवाब दिए जा रहा हूँ, ठीक है। अब हम दोनों एक दूसरे की बात को समझ नहीं रहे हैं, लेकिन हम बात बोले जा रहे हैं। फिर वो रास्ते में वहां पर वो दोपहर का टाइम था, खाने की जगह आई तो उन्होंने खाने की जगह पे रोका, एक रेस्टोरेंट में ले गए, एक छोटा सा रेस्टोरेंट था, इटालियन रेस्टोरेंट था, तो उन्होंने वाइन मंगाई, वाइन में जो सर्व की तो मैं उसके बाद पीता था, हम दोनों ने वाइन पी और उसके बाद वो बोलते रहे और मैं सुनता रहा, और एयरपोर्ट तक गए, उसके बाद फिर हम दोनों ने एक दूसरे को हक किया। तो वो किस्सा मैं कभी भूलता नहीं हूँ जी, क्योंकि उसमें मुझे एक बात भी उनकी नहीं समझ में आई, लेकिन ह्यूमन इमोशन से वो इमोशन से ही वाज सो हैप्पी एंड आई वाज सो हैप्पी विद द कन्वर्सेशन व्हाटएवर वी हैव डन। वो 3 घंटे की जो जर्नी थी मुझे सिखा गई कि भले ही जबान आप ना समझ सको लेकिन इमोशन आपको समझ में आ सकता है।